नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। अब कुवैत ने कमर कस ली है, वो कैसे भी करे साम दाम दंड भेद। जी हाँ, वो ये चाहती है कि हमारे हमारी कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तानी या बंगाली या फिर मिस्री कोई भी हो, फिलीपींस हो, जनसंख्या कम करने का उनका टारगेट है, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी बहाने से कम किया जाए। और मैं एक बात बता दूँ कि आप फेसबुक पर उछलते रहते हो, कूदते रहते, जब बात अपने पर आ जाती है ना, तब लोग पड़ोसी को बाद में, पहले अपने लोग पहले होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो भैया पिक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा, अपने तो अपने होते हैं। अभी एक और कल मैंने वीडियो डाला था, आपको सबको पता है कि लगभग 500 से प्लस कंपनीज हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करेगी, 100,000 लोगों को जॉब निकाल के घर भेज देगी, क्योंकि वो कंपनी गलत थी, इलीगल थी, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने पहले वो पेट एक्ट लगाया था, जिसमें बताया था कि भाई कुवैत से, कुवैत के जो लोग हों उसके 70% इंडिया, दूसरे कंट्रीज के लोग होने चाहिए। उसमें लगभग 800,000 कंट्रीज को, इंडियन को निकालने की मैंने बताया था कि वो प्रस्ताव अभी पेंडिंग में पड़ा है। उसके बाद में मैंने और भी बताया था कि जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनका कुवैत सरकार वीज़ा रिन्यू नहीं करेगी। आज की न्यूज़, हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मैं आपके साथ, मेरे सामने अभी आई इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुवैत सरकार ने घोषणा कर दी है 60 साल के ऊपर के लोगों का वीज़ा रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो भैया देख लीजिए, एक परिवार में एक बुज़ुर्ग आदमी है, उसकी मजबूरी है कि वो कुवैत में जाके कमाएगा, तब उसके 5 परिवार में 7 बच्चे हैं, 5 हैं, 2 भी हैं, वो उनका पेट भलेगा। वो कुवैत सरकार ने उनको बैन करने की घोषणा कर दी थी, फरवरी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, तभी से उन्होंने साफ बोला है। देखिए, हर इंसान को लालच होता है भाई, उन्होंने बोला है कि उस श्रेणी के, यानी पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कानूनी सलाहकार, कंपनी के मालिक, यानी जिनसे कुवैत सरकार या कुवैत कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है, उनको उनसे फ़ायदा मिलता है, उनकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, कुवैत सरकार या कुवैत देश का विकास होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं तो उस तरीके से काम करते हैं, तो उनका उनको बेनिफिट है। और जो ब्लू कॉलर लोग हैं, जो मैं बता दूं 95% ये समझ लीजिए मजदूर टाइप के लोग, जैसे ड्राइवर हो गए, घरेलू नौकर हो गए, या फिर पेड़ पौधे जो माली वगैरह का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी जो मजदूर टाइप के लोग हैं, ब्लू कॉलर, उनको 60 साल वालों को कोई सरकार वीज़ा नहीं देगी, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनका वीज़ा रिन्यू नहीं करेगी। तो आप समझ सकते हैं कुवैत सरकार का पूरा टारगेट है कैसे करके इन लोगों की जनसंख्या कम की जाए। अब उसमें आप इंडियन भी हो सकते हो, उसमें पाकिस्तानी हो सकते हो, उसमें बंगाली, मिस्री कोई भी हो सकते हो, सबका नंबर आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कुवैत सरकार ने भैया पूरी तैयारी कर ली है कैसे भी करके। अभी जो नए वीज़ा भी, मुझे नहीं लगता इतना आसानी से कुवैत सरकार देने वाली है, क्योंकि वो जनसंख्या कम करना चाहती है। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं भैया, उनके लिए तो अमेरिका के भी दरवाजे खुले हैं, और कनाडा भी वो चाहता है, कनाडा भी बोलता है कि हमें 2 मिलियन लोगों की ज़रूरत आई है हमारी कंट्रीज़ में, लेकिन कौन जो उनका विकास कर सके, उनके फ़ायदे के लोगों को वो बुलाते हैं। बाकी आप वो नहीं चाहते कि आप वहाँ कमा के अपनी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालें, वो उनको अच्छा लगे नहीं लगे वो अलग बात होती है, वो अपनी नहीं सोचते, वो अपनी खुद की सोचते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कुवैत सरकार ने 3-4 एक्शन लिए हैं भाई वर्करों के खिलाफ में। तो बस ये जानकारी थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।